नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खेत छोड़ उठ गया किसान। जी हाँ, आज बात हम उस किसान की कर रहे हैं जो किसान ना सुबह की ठंड की परवाह करता है, ना दोपहर की गर्मी की, और वो खेतों की ओर चल देता है, क्योंकि उसकी माथे पर चिंता की लकीरें सिर्फ इस बात की होती है कि उसे 125 करोड़ थालियां सजानी है। उसे भारत की जो बढ़ती हुई आबादी है, उस आबादी के हिसाब से अपने उत्पादकता को भी बढ़ाते हुए रखना है और अपनी गुणवत्ता को भी बरकरार रखना है। तो इस किसान की मदद किस प्रकार की जा सकती है? जी हाँ, इस किसान की मदद की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से, और इस विज्ञान से जुड़े हुए कुछ युवा चेहरे आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो चेहरे जो कि अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को अपना रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाकर इन किसानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज की ऑडियंस से परिचय कराऊं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे ऑडियंस के रूप में, हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ छात्र, जो कि अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। इनका सपना सिर्फ ये है किसी भी प्रकार से अपने भारत के किसानों को मदद करना। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में। जी, इन्हीं के साथ हमारे लैब टेक्नीशियन बालमुकुंद विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि ये बताएंगे कि किस प्रकार से वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इन युवाओं को खेतों में जाने के लिए तैयार करते हैं। जी हाँ, जो युवा इस समय पर आईटी की तरफ जा रहा है, चमक दमक वाली फील्ड की तरफ जा रहा है, उनमें से कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि वापस अपने खेतों की ओर जाना चाहते हैं, जिन्हें कि उनके खेत पुकार रहे हैं। उन खेतों में जाकर वो कुछ नवाचार करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भारत, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वो कृषि पर गर्व कर सके, कुछ नया कर सके। चलिए हम वापस आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, किस लिए लिया आपने कृषि अभियांत्रिकी, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को आपने क्या सोचकर अपनाया? जी आप बताइए। सर, माय नेम इज अहमद रजा वारसी, आई एम फ्रॉम कटिहार, बिहार। जी सर, हम लोग एग्रीकल्चर इसीलिए लिए कि सर, जो मेरा एम है सर, कि आजकल जो इरिगेशन फील्ड में सर, कि हमारे गांव में सर, जैसे कि देख ले कि ऐसे बहुत एरियाज हैं सर जहां अभी भी फ्लडेड इरिगेशन यूज़ किया जाता है सर। जी। और वो भी सर हम अपने डीजल इंजन वगैरह से करते हैं सर, लेकिन सर आजकल सोलर सिस्टम जैसे कि फैल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम लोग सर सोलर सिस्टम के थ्रू सर इरिगेशन करना चाहते हैं सर, जिससे कि उनका कॉस्ट भी कम पड़ेगा सर, और जो सर हमारे ये वाटर ख़त्म हो रहे हैं सर, वो भी हमारे बच जाएंगे वो उस इरिगेशन के हिसाब से सर। जी हाँ, बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्या नाम है आपका? अहमद रजा वारसी। अहमद के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करने की सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जल संरक्षण की, पानी को बचाने की। कितने साल पहले रहीम जी कहकर गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बताइए, लड़कियाँ ज़्यादातर आती नहीं हैं एग्रीकल्चर की तरफ, और वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तरफ, क्या सोच कर आई, क्या सोचा हुआ है आपने हमारे किसानों के लिए? सर, हम ऐसे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं जो कि टाइम को सेव कर सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, और पॉली हाउस में हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अच्छे प्लांट ग्रोथ के लिए। और पॉली हाउस तो बन रहे हैं इस समय पर, क्या उनमें कुछ और नया कुछ करना चाहती हैं? सब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो जैसे। जी हाँ, आप कुछ नया करना चाहती हैं उसमें, बहुत बढ़िया। आप बताइए, सबसे पहले बताइए कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? बिहार से हूँ मैं, मेरा नाम प्रिया कुमारी है, और मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसीलिए ली थी ताकि हम अपने एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, हमारी जो भी एग्रीकल्चर बेसिस जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, हम एग्रीकल्चर के ऊपर अपना ध्यान दें, जो कि हम अदर फील्डों में दे रहे हैं, और भी अदर फील्डों में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं अदर फील्डों में, और इधर कृषि के तरफ, एग्रीकल्चर के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते आ रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी उतनी होती नहीं है जितनी हमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी न्यू टेक्निक्स के द्वारा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय पर किसान के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, उसे जनसंख्या के अनुरूप उन्हें उत्पादकता बढ़ानी है, उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, परंतु खेत छोटे होते जा रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो वो है कि 125 करोड़ लोगों तक उनका पोषण पहुँचना, उनका भोजन पहुँचना, ये वाकई में किसान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को हल करने के लिए प्रिया काम करना चाहती हैं। प्रिया चाहती हैं कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जाएं जिनसे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनकी गुणवत्ता बरकरार रह सके। बहुत बढ़िया प्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप काम कर रही हैं। नेक्स्ट, जी हाँ, आप बताइए। सर, मेरा नाम शिवानी प्रिया है। जी शिवानी, मैं पटना बिहार से हूँ। सर, भारत कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, आजकल स्टूडेंट आईटी, सीएस और अलग फील्ड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, बट हम लोग इंजीनियरिंग इसलिए मैं ली हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। मैं सॉयल और वाटर कंजर्वेशन करना चाहती हूँ। जी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो मैं पानी को बचाना चाहती हूँ। पानी की बहुत क्राइसिस हो रखी है, तो कोई ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे इक्विपमेंट्स, मतलब ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे पानी सेव हो, जिससे एग्रीकल्चर में बहुत, मतलब एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो। जैसे हम लोग राइस को ग्रो करवाते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें फ्लडी सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। अब जैसे राजस्थान को ले लीजिए, यहाँ पानी की बहुत क्राइसिस है, ये एरिड रीजन है, यहाँ पानी की बहुत क्राइसिस है। यहाँ चावल वगैरह ये ग्रो कराने में, राइस को, पैडी को ग्रो कराने में बहुत ही कठिनाई होती है जी, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत क्राइसिस है। तो मतलब सॉइल वाटर कंजर्वेशन से हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पानी की क्राइसिस दूर हो। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हो जहाँ पर कि चावल की उपज ज़्यादा होती हो, वहाँ निश्चित तौर पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आप पढ़ ऐसी जगह रहे हो जहाँ पानी बहुत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता, तो आपके दिमाग में ये सवाल, ये इस तरह की बातें आना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं। नेक्स्ट, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर, मुझे मौका मिला बोलने का। जी बोलिए। सबसे पहले मैं सारे देशवासियों के, जितने भी किसान हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने की एक बहुत ही मदद की है इंडिया के इकोनॉमिक बढ़ाने में, साथ ही जो जीडीपी बनाने में। जो सर मेरा एम एज एग्रीकल्चर इंजीनियर, एज एग्रीकल्चर ऑफिसर, मैं सर बोलना चाहता हूं कि यही कि आज के डेट में सर बहुत ऐसे किसान हैं जिनको सर न्यू सीम का जो टेक्नोलॉजी आज पीएम मोदी जी कर रहे हैं जी, उनको नहीं पता चल पाता है, साथ साथ उनको ये पता ना। और साथ ही साथ सर ऐसे बहुत किसान हैं जो कि सर क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं पाती है सर। क्या क्रॉप रोटेशन से क्या मतलब है आपका? सर क्रॉप रोटेशन होने से सर क्या होगी ना सर, जो सॉइल का जो सर फर्टिलिटी है, एबिलिटी, वो सर बनी रहेगी जी। अगर एक ही सॉइल हम बनाते रहेंगे, मतलब क्रॉप करते रहेंगे सर, उससे सर प्रोडक्टिविटी सर घट सकती है हमारी, और साथ ही साथ सर सॉइल की जो एबिलिटी है सर वो डिक्रीज हो सकती है। जी बहुत अच्छी बात आपने कहा कि क्रॉप रोटेशन इस समय बहुत ज़रूरी है, और क्रॉप रोटेशन अगर आप करते रहेंगे तो आपकी ज़मीन की उत्पादकता जो है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है, वो निश्चित तौर पर बरकरार रहेगी क्रॉप रोटेशन। लेकिन इसके लिए आप इंजीनियरिंग में रहकर किस प्रकार मदद कर सकते हैं उनकी? सर उसको सर इस बारे में बताना, इन्हांस करना सर, बहुत सारे सर ऑर्गेनिक, सर एक ही सर क्रॉप फर्टिलाइज करने से सर उनकी ऑर्गेनिक घट जाती है सर, ऑर्गेनिक जो होनी चाहिए वो घट जाती है सर, इसलिए सर क्रॉप रोटेशन इस जरूरी है। और भी किसान को ये भी बताना कि सर कि आज के डेट में जो है सर किसान जो है करते क्या है सर कि उनको सब्सिडी नहीं मिल पाती है सर जी, सब्सिडी, क्योंकि सर आज के डेट में बहुत सारे किसान के पास बहुत लैंड है, बट वो जो लैंड का यूटिलाइज होना चाहिए सर वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ताकि जैसे कैश क्रॉप सर, कैश उनका इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए सर कैश क्रॉप। क्या नाम है आपका? सर धीरज कुमार। धीरज, जो काम आप करना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप किसी दूसरे फील्ड को भी चुन सकते थे। जैसे आईटी अगर चुनते तो शायद आप लोगों तक स्प्रेड कर सकते थे अपने मैसेज को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी सोशल मीडिया के जरिए। कैसे लगता है आपको कि आप इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके, आपका बहुत अच्छी सोच है, मैं इसलिए आपसे इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से बढ़ा पाएंगे आप? सर एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर सर, मुझे लोगों को सर बिलीव जगाना होगा, पड़ेगा सर, मतलब आप तैयार हैं खेतों में जाने के लिए? जी सर, उनको आप तैयार हैं उनके साथ पसीना बहाने के लिए? उनको ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो एज एग्रीकल्चर ऑफिसर सर, इसलिए मैं उनको इनहांस करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, आप अपने कामयाब हो, अपने मंसूबों में, आपने जो लक्ष्य सोचा है उसमें कामयाब हो, ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच को सलाम करता हूँ। जी नेक्स्ट। जी माय नेम इज मनीलाल मेहता फ्रॉम बिहार। मेरा बैकग्राउंड जो रहा है कृषि फार्मिंग से रहा है हमेशा, मतलब तो मैं जानता हूँ कि क्या मतलब तकलीफ, क्या दिक्कत आती है मतलब कृषि का, मतलब बीच में, तो वो चीज़ मैं आपको बीच लाना चाहता हूँ कि जैसे कि है अभी मतलब
एनर्जी हम लोग ज़्यादा इनपुट देते हैं बट आउटपुट हम लोग बहुत कम लेते हैं, तो इस चीज़ पे अगर इंजीनियरिंग पे रह के हम अगर काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। जस्ट लाइक अभी बहुत सारे मॉड्यूल्स है और एग्री में जो मतलब देते हैं गवर्नमेंट, उस चीज़ को सब्सिडी को उसको ला के हम अपने मतलब जीवन में वो मतलब लाए तो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। जस्ट लाइक IFS मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल जो है, उसमें बहुत अच्छा तरीका से बताया गया कि किस टाइप से हम लोग किस मतलब पद्धति को हम लोग अपनाएं कि कृषि कर सके। जैसे कि उसमें है कि मतलब एक मल्टीलेयर फार्मिंग लीजिए, उसमें नई नई चीजें सिखाई गई है, जैसे कि मतलब अभी होते हैं मतलब कम जमीन में आप ज्यादा खेती करना चाहते हैं, मल्टीलेयर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, मल्टीलेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि आप एक किसान परिवार से आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख शहर गया, बन बैठा इंसान, देख के अपनी उजड़ी फसल रोता रहा किसान, परंतु अब वो बेटे नहीं हैं, अब वो बेटे हैं जो वापस अपने खेतों की ओर जाते हैं, खुद किसान बनते हैं और अपने पिता को मदद करते हैं और खेत को जलने नहीं देते। वाकई में जोरदार तालियां आपके लिए, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं और अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज बातचीत करके। जी हाँ, सर मेरा नाम सौरव डीरा है, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मेन रोल ये है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकें। जी, क्या सोचा है आपने इस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सर जैसे फॉरेन में जैसे भी मतलब डेवलप इक्विपमेंट्स है वो हमारे इंडिया में, उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, तो हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार उन इक्विपमेंट्स को किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि अवेयरनेस है, क्योंकि हम इक्विपमेंट्स को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, परंतु हमारे किसानों ने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। जी, तो आप क्या करना चाहेंगे उसमें? सर गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से सर वो इक्विपमेंट्स को अफोर्ड कर सके, ये कराना चाह सकते सर। या आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप कुछ इस प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाएं जो कि उनके पहुंच में हो? जी सर, हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सर जैसे हम कोई भी मॉडल बनाते हैं जी, तो उससे सर जैसे हमने अभी मॉडल बनाया था हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, जिसमें हम कम जगह में किस तरह बिना पानी के खेती कर सकते हैं, बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं। यस सर जी, इसमें वाटर जो भी वेस्ट वाटर है उसका किस तरह से फिल्टर यूज करके हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। जी, क्या लगता है हाइड्रोपोनिक का भविष्य आपको क्या लगता है, चल पाएगा? यस सर, हो सकता है। हो सकता है, आपने देखा है उसका मॉडल? यस सर। आपको लगता है राजस्थान में किया जा सकता है, जिस जहां पर अब अचानक जमीन कम पड़ने लगी है, पानी कम पड़ने लगा है? यस सर, बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। जी आगे बढ़िए। सर मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन का ही आंसर करना चाहती हूँ। जी बहुत बढ़िया, बताइए। क्रॉप रोटेशन पूछा था। जी, क्रॉप रोटेशन आपने बोला कि और दूसरे फील्ड में रह के आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं क्योंकि आईटी वाले सीएस वाले ये सब नहीं बता सकते। क्रॉप रोटेशन ये होता है कि जैसे हम पैडी लगाए हैं तो पैडी जो होता है वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो हम उसमें फिर जब पैडी को हार्वेस्ट कर लेते हैं तब हम उसमें लेग्यूम प्लांट लगाते हैं। लेग्यूम प्लांट मतलब दलहन पौधे लगाते हैं, उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, तो वो फिर से सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल करा देती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है नाइट्रोजन की, इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है। जी हाँ, आपने उस प्रश्न का जवाब दिया है जिसे मैंने कहा कि आपको इस फील्ड के अलावा अगर आईटी में जाते या किसी और फील्ड में जाते तो शायद अवेयर कर सकते थे, पर बिल्कुल सही। क्या नाम बताया था आपने? शिवानी प्रिया। शिवानी का कहना यह है कि जब तक आप किसान की चीज़ों को समझेंगे नहीं, उसे अवेयर नहीं कर पाएंगे, जब तक आप खेत में जाकर उसके जीवन को जिएंगे नहीं तब तक आप उसे नहीं समझा पाएंगे कि असल में करना क्या है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एसी ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर बैठकर आप किसान की न तो किसी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं ना ही कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही। जी नेक्स्ट। जी सर, मेरा नाम ऋषभ राज है और मैं पटना बिहार से हूँ। जी, तो मैं इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आया हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि ये जो आप जैसा बता रहे थे कि किसान बस टीवी में देख पाते हैं उन मशीनरीज को, जी हाँ, वो बाहर बनने के कारण बहुत महंगा हो जाता है, उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है,
तो उसके लिए मैं नई बिजनेस प्लांट असेंबली प्लांट लगाना चाहता हूँ पटना में, जो कि बिहार बहुत जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे गरीब किसान ज़्यादा हैं, तो उनके लिए अगर मैं वहाँ पे अगर उसका प्लांट लगाऊँ मशीनरी का, तो उनके लिए वो कॉस्ट लो कॉस्ट में आ जाएगा मशीनरी, तो उसके माध्यम से वो आसानी से खेती कर सकेंगे और ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। मतलब कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन फार्म इक्विपमेंट में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने किसानों की मदद कर सकें। यस सर। क्या सोचा है आपने, किस तरह से करेंगे आप, कुछ प्लांट लगाएंगे, कुछ मशीनों को बनाएंगे? सर, मैंने अभी पता किया था वहाँ पे, एक पता किया था सर्वे में, तो वहाँ पे अभी कोई भी ऐसी प्लांट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है जो फार्म मशीनरी बनाती हो, या कोई भी असेंबली लाइन भी नहीं है जो फार्म मशीनरी जिसके कारण बनता हो। अगर है भी तो इंडिया में ज़्यादातर लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ के साइड में, तो उसको मंगवाने के लिए उनकी कॉस्ट फिर बढ़ जाती है, और फिर अगर कोई दिक्कत आए उसमें तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उसके मैकेनिक नहीं मिलते हैं जी बिहार में। तो इसके लिए मैं एक तैयार कर रहा हूँ, पता किया है मैंने सर्वे करके, तो वहाँ पे मैं यही सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक प्लांट लगाया जाए और असेंबली लाइन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, और मैं खुद से भी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जितने भी इक्विपमेंट हैं, मैक्सिमम इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं, उसमें उन्हें चलाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है। अगर खाली ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया जाए तो किसी काम का नहीं है, जब तक कि उस पर कोई इक्विपमेंट ना लगे। ट्रैक्टर को सबसे बड़ा इक्विपमेंट माना गया है, किसान का सबसे बड़ा साथी माना गया है, पर जिस प्रकार से इस समय पर ट्रैक्टर कंपनीज आ रही हैं, एक के बाद एक कंपनीज आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे ब्रांड्स जो हैं, इतने सारी चीज़ें जो हैं, इतने सारी कंपनीज हैं, वो असल में किसान को कन्फ्यूज़ करती हैं? यस सर, ज़रूर कंफ्यूज़ करती है, और ऊपर से इतने कंपटीशन में फिर भी उसकी जो कॉस्टिंग है, जो दाम है उनके, वो बहुत ऊँचे हैं। अगर उसी चीज़ उन्हीं चीज़ों को मैं अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास छोटा खेत है, तो वो ट्रैक्टर लेके करेगा क्या? तो उसके लिए अगर हम कुछ छोटी मशीन भी बना दें जो वो हाथ से चला ले, तो इससे उनके लिए आसानी होगी। जी हाँ। अच्छा, एक अगर कोई आप इस जवाब देना चाहे, जिस प्रकार से ओला उबर होती हैं, जिस तरह से कि आपको यहाँ से बेंगलोर जाना है तो आपको अपना प्लेन खरीदने की, अपनी ट्रेन खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप टैक्सी लेकर या प्लेन से या ट्रेन से जा सकते हैं, क्या इस तरह की कोई योजना जिसे कस्टम हायरिंग योजना कहते हैं, जो जिसमें किसान किराए पर ट्रैक्टर या इक्विपमेंट ले सकता है, क्या इस तरह किसी योजना के बारे में सुना है आप लोगों ने? सर अभी जी पीछे तो नहीं है, पीछे दीजिए माइक, उन्होंने सुना है जी। सर मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी शिवम। सर मैंने भी सुना है इसके बारे में, ये ज़्यादातर साउथ में ज़्यादातर यूज होती है, पर बिहार में अभी इसके ज़्यादा स्कोप नहीं है जी। मैंने मतलब महिंद्रा कंपनी के बारे में भी सुना है, जो कि एक शायद उसकी ब्रांड चलती है ट्रिकासो करके, वो CHC में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके भी बिहार में स्कोप नहीं है। मैंने सोचा भी इस पे काम करने का, फिर मुझे पता चला कि ये ज़्यादातर बिहार के किसानों के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि क्या कारण हो सकता है सर? मैंने मतलब अपने बड़े से पूछा कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये जो कंपनियां हैं वो तुरंत आपको मतलब ऑन द स्पॉट आप उनको पैसे दीजिए और फिर उनसे आप काम करवा लीजिए। हाँ, जितने आपको जरूरत है उतना काम करवा लीजिए। लेकिन बिहार में क्या है कि अभी भी किसानों की हालत बहुत ही खराब है, जिनके कारण वो तुरंत उनका जो पैसे का इनकम है वो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो प्लांट होता है उसके बाद आता है, उनके बाद उनको पैसा आता है। तो अभी जो मतलब जो भी प्राइवेट लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो उनसे काम करवा के फिर तब जब उनको पैसे आ जाते हैं। आप चाहते हैं कस्टम हायरिंग योजना में भी कुछ इस तरह का तरीका हो जिससे कि उन्हें क्रेडिट पे काम हो जाए और जब उनकी फसल आ जाए तो उसके बाद उसका पैसा चुका सके। क्रेडिट पे अगर काम हो जाए तो फिर बाद में अगर वो चुकता कर सकते हैं तो ये हो सके। या सर इसमें एक ये भी दिक्कत है कि अगर हमने आज उनसे अपॉइंटमेंट लिया है तो आज ही उनसे काम कराना पड़ेगा, लेकिन जो अभी हमारे लोकल्स हैं तो अगर उनसे आज नहीं हम करवा पाते तो दूसरे दिन भी करवा सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, कुछ मतलब डिसएडवांटेज हैं जो कि हमारे बिहार के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कस्टम हायरिंग योजना जो है वो फिर भी किसानों के लिए थोड़ी अच्छी है कि उन्हें किस्तें ना चुकानी पड़े और चीज़ों का ना। चलिए एक चीज़ और जो इस समय का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, हालांकि वो आप लोगों की इंजीनियरिंग से थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक आम आदमी की होने के नाते, एक आम स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है इस समय पर, जो कि हर किसी के लिए असल में
थाली में एक तरह से जहर परोसने वाली जैसी बात है, उसके लिए कुछ कोई काम करना चाहेगा उसमें कि जिससे जैविक खेती हो? हाँ सर, जैविक खेती भी बहुत अच्छा विकल्प है जिसके उसके लिए विकल्प कहें या जरूरत कहें, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है जैविक खेती। जी, आप जैसे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं जी, और उसमें क्या है कि मतलब जितना भी ऑर्गेनिक जो हमारे आसपास में है उसको यूज करके बड़े तौर पे खेती करना, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इससे जो कैंसर होती है मतलब पेस्टिसाइड से, और जो जितने भी अभी हमारे जो वर्ड्स है ये सब वो पेस्टिसाइड्स यूज करने से मतलब डेड हो जाते हैं, और हमारे जो सेल में पहुंचते हैं वो खाने के बाद, तो उस तरह से मतलब वो बहुत क्या सारे करना चाहेंगे इस पर आप, क्योंकि आप इसी फील्ड में जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी जरूरत है देश की, सबसे बड़ी जरूरत तो है। तो इसमें हम ये करना चाहेंगे कि मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट प्लांट है ये हर जगह पे लगाया जाए, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे जो फार्मिंग की जा रही है तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक तरह से बिजनेस भी हो जाएगा हम लोग का जी। और जैसे IFS मॉडल में क्या है कि मतलब वो हर चीज़ को हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो उसकी जो कॉर्डंग आएगी उससे वो होगी, और उससे जो और कुछ जो मलवा निकलते हैं उससे पेस्टिसाइड हम लोग बनाते हैं, जैसे नीम ऑयल जो है वो पेस्टिसाइड के तौर पर आजकल के फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और वाकई में वर्मी कंपोस्ट और इन सब की मशीनरी अगर आप लोग बनाएंगे तो वो ना केवल किसानों के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बहुत बड़ा काम होगा। हमारे साथ आपके कॉलेज से ही असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर पटेल इस समय जुड़े हुए हैं। पटेल साहब नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपके स्टूडेंट से बात हो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर के इन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं जिससे कि ये किसान के दर्द को समझ सकें और उसके हिसाब से चीज़ों का इनोवेशन कर सकें, उसके हिसाब से सोच सकें। जी सर, बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है कि कैसे हम आधुनिक टेक्निक से खेती कर सकते हैं जी, और आजकल किसानों को सबसे ज़रूरी है सॉयल हेल्थ जी, सॉयल हेल्थ की जांच कराना, जो भी जी हाँ सॉयल हेल्थ की जांच कराएंगे, जिससे हमें 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की जांच ना करा पाने के कारण किसान उसमें मैक्सिमम इनपुट देता रहता है जी, जो भी है मैक्सिमम फर्टिलाइजर उसमें डालता रहता है। अगर उसको वो जांच करवा लेगा तो उसको जानकारी हो जाएगी कि हमें कितना यूरिया डालना है, कितना हमें म्यूरेट ऑफ पोटास डालना है, कितना DAP डालना है जी। तो उसके लिए हम ये है कि किसान उसकी जांच कराएगा जिससे उसको प्रॉफिट होगा, उसको नॉलेज हो जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ डालनी है जी। और सर आप बात कर रहे थे भी कस्टम हायरिंग सेंटर की जी, तो कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बता दूं कि कस्टम हायरिंग सेंटर जो बेटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो अपना खुद का एक सेंटर ले सकते हैं जी, क्योंकि कस्टम हायरिंग सेंटर में किसानों को थोड़ी देर के लिए उनको मशीनरी अवेलेबल करा देना, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी हो रही हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका प्रोसीजर बहुत क्रिटिकल है, तो इसके लिए अभी क्या है कि फंडिंग लेने के लिए कम से कम 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत होती है जी। तो गवर्नमेंट की एक योजना चलती है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर जी, जिसके थ्रू 45 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। उस 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट CSC के अलावा और क्या क्या रोजगार के अवसर हैं जो इन युवाओं के लिए खुले हैं जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है जी, बैंकों में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पद पर हमारे बच्चे जा सकते हैं जी, जिससे किसानों को अवेयर करके उनको क्या क्या जरूरतें हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं जी। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनके यहाँ कितना क्या जरूरत है सारी चीज़ें वो उनको दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे एग्रीकल्चर ऑफिसर स्टेट में होते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं, क्या आप कौन कौन सी फील्ड आपको लगता है कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को अपने आराम से कर लेते हैं, आप बताइए जी। सर मेरा आफ्टर सर बीटेक एग्रीकल्चर मेरा एम है सर कि बैंक में सर हम लोग एक पोस्ट आती है सर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जी, सर हम उस पोस्ट पे जाना चाहते हैं सर, और सारे पोस्ट हैं सर लेकिन हम इस पे इसलिए जाना चाहते हैं कि सर इसमें हम किसान को सर बैंक से जो जल्दी सर उसको लोन नहीं मिल पाता है सर, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है सर, वो सब हम इनसे दूर कर सकते हैं उनके सर। पर इसके लिए तो आप कॉमर्स या MBA करके भी जा सकते थे बैंक में आप सर, बट कॉमर्स MBA वाले सर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे नहीं जा सकते ना सर, वो बस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही जा सकते हैं और BSc एग्रीकल्चर के।
चलिए ठीक है, और आप बताइए पीछे जिनको जो नहीं बोल पाए उन्हें उन तक माइक पहुंचाइए। जी सर, मैं आईएफएस बनना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जॉब करना चाहती हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जॉब करना चाहती हैं? Yes, क्या sir. करना चाहती हैं उसमें, मतलब क्यों जरूरत है इस समय फॉरेस्ट की? सर फॉरेस्ट किस लिए जरूरत है? फॉरेस्ट इतने तेजी से कटे जा रहे हैं कि उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, रेनिंग टाइम पे नहीं हो रही है, सॉइल मतलब सॉइल भी कंजर्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं फॉरेस्ट के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि फॉरेस्ट कंजर्व हो, उससे अच्छी रेनिंग हो, अच्छी बारिश हो, मिट्टी की कटाव ज़्यादा ना हो, ताकि किसानों को भी फायदा हो और देश को भी। जी हाँ बिल्कुल सही है बात आप कह रही हैं कि जब पैंथर हमारे घर में घुस जाता है तो हम कहते हैं हमारे घर में आया है, जबकि बात असल में ये होती है कि हम लोग उनके घर में पहुंचे होते हैं, इसलिए उसे घर ढूंढना होता है। यस सर, जंगल काट रहे हैं इसलिए पैंथर हमारे घर में आ रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं इसलिए वो हमें लग रहा है कि वो हमारे घर में आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, असल में जब हम पैंथर सफारी के लिए जाते हैं तो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, और जब वो पैंथर सिटी सफारी के लिए आ जाता है तो भागते फिरते हैं। जी हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए। सर मैं एग्रीकल्चर करके सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने किसी सरकारी कृषि मंत्रालय में जाके कुछ किसानों के लिए ऐसा सूटेबल स्कीम बना सकूँ ताकि वो बहुत से ज़्यादा मदद कर सके उनकी, उनको अभी भी कैसे कई सारे स्कीम्स हैं जो कि नहीं उनको प्राप्त हो पाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रैक्टिकल नहीं है जो स्कीम्स। जी सर, तो जी। वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल हो सके इसलिए सर। चलिए मैं पटेल साहब आपके पास वापस आना चाहूँगा। जी सर, जब इनसे पहले फेज में बात करते हैं तो सब कहते हैं किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खेत में जाना चाहते हैं, खेत में धूल में जाना चाहते हैं, पसीना बहाना चाहते हैं, पर जब दूसरे फेज में बात करते हैं कि क्या करना चाहते हैं तो लगभग सबका ड्रीम होता है कि हम मंत्रालय में जाएं या आईएफएस बने। मैं ये नहीं कहता ये सपने अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जी सर, क्यों क्यों कोई खेत में काम क्यों नहीं करना चाहता? सर हमारे यहाँ भारत को कृषि प्रधान देश बोला गया है जी, और हमारे यहाँ के युवा आजकल सारा का सारा जॉब या नौकरी की तरफ ही जाना चाहता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारा कृषि में है जी। और कृषि में आजकल यदि हम ये मैक्सिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड की बात करते हैं जी, तो पेस्टिसाइड ना यूज करके यदि हम आजकल न्यूज में चलता है गौमूत्र की बात जी, यदि हम गौमूत्र को स्टोर करके उसको एक या दो मंथ का प्रोसीजर है उस क्लेरिफाई करने का, तो हम उसके द्वारा पेस्टिसाइड का अल्टरनेट ऑप्शन उससे हमारा तैयार हो जाता है सर, नीम के पत्तों और गौमूत्र से वो रेडी किया जाता है जी। हाँ चलिए जय जय किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आज, देश के भविष्य से हमारी बात चल रही है कि किस प्रकार वो खेतों में जाकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।